गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। आज हम इसके बारे में जानेंगे। रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब जहाँ पर ये जो रो होता है ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एन पर और टाउ पर। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, तो दोनों के बीच में एक टाइम लगता है। तो अगर हम इस कोलाइजन टाइम का एवरेज निकाल लेते हैं तो ये पूरे इस कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम निकलता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं इस फार्मूले में कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है किस पर? एन पर डिपेंड करती है और टाउ पर डिपेंड करती है। अब हमें ये जानना है कि ये कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल के लिए जानेंगे। मेटल के लिए जो रेसिस्टिविटी होती है वो एन पर और टाउ पर डिपेंड कैसे करती है? मेटल के लिए ये जो टाउ होता है ना, ये टाउ डिक्रीज करता है। मेटल के लिए टाउ क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन जो एन होता है डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। तो टाउ मीन्स टाइम ऑफ कोलाइजन। अगर टाइम ऑफ कोलाइजन कम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, है ना? तो मेटल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। तो अब हमें ये जानना है, एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा देख लिया जाए, अगर हम एम की जगह पर एम ही रहन दें, एन की जगह पर एन ही रहन दें, ई स्क्वायर की जगह पर ई स्क्वायर रहन दें, और टेम्परेचर बढ़ाने पर, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो टाउ है ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। मान लीजिए कि ये टाउ डिक्रीज हो करके टाउ अपॉन एट हो गया। मान लीजिए कि ये टाउ जो है ये डिक्रीज हो करके टाउ अपॉन एट हो गया, तो ये एट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एट एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
तो क्या हम रो की वैल्यू, अगर हम इसे रो डैश मान लें, तो क्या ये 8 रो के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टिविटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, 8 टाइम्स हो जा रही है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि मेटल के लिए टाउ डिक्रीज होता है, यन में कोई चेंज नहीं होता है, और ये जो रो है, रेसिस्टिविटी है, ये भी आपका क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर? तो आपको केवल यही बताना है कि मेटल में टाउ की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, यन क्या कैसे डिफर करता है, और ये रेजिस्टिविटी कैसे डिफर करती है। तो हम इसमें ग्राफ भी आपसे पूछा जाता है, इसमें आपसे ग्राफ भी पूछा जाता है। तो जो ग्राफ हमारा बनेगा वो किसके किसके बीच बनेगा, टेम्परेचर के और रेसिस्टिविटी के। टेम्परेचर, तो जो हमारा टेम्परेचर का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से लिया जाएगा, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा किस में लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा। और ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू हमेशा हम लेंगे 0.2, 0.4, 0.6। और ये जो रेजिस्टिविटी हम ले रहे हैं, जो रेजिस्टिविटी हम लोग ले रहे हैं, ये 10^8 ओम मीटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं, 10^8 -8 ओम मीटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा मेटल के लिए। तो मेटल में आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि मेटल के लिए टाउ एन और रेजिस्टिविटी और ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलॉय में ये कैसे काम करता है। एलॉय में जानने से पहले हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला और होता है। एक फार्मूला तो यही होता है, एक फार्मूला होता है रो टी इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने मेटल के बारे में चर्चा की थी, तो मेटल के बारे में हमने क्या पता लगाया कि हमारा जो टाउ होता है वो डिक्रीज करता है एन, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है, और जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। और ये ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, टी और रो के बीच में बनेगा। और जो हमारी रेजिस्टिविटी है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अभी मैंने ये आपको चारों पॉइंट समझाया था। अब इन चारों पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें इसमें,
तो इसमें ये रो टी क्या है? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। इसको हम लोग एक काम करते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं, टी माइनस टी नॉट। और ये रेसिस्टिविटी नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। और ये अल्फा क्या है? को एफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये तीनों वैल्यू हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये अल्फा हमारा आ रहा है, तो ये अल्फा की वैल्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अल्फा किस तरीके से मेटल में चेंज होता है। तो मेटल में चेंज होने के लिए हम इसको बताएंगे कि अल्फा पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल होता है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वेरी स्मॉल होती है। अब इसको थोड़ा इसमें कंसीडर किया जाए कि अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है और छोटी है, तो अगर वन में हम छोटी ही वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, है ना? तो इस तरीके से हमने ये जाना कि हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम जानेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के लिए हमको ये जानना है कि ये जो n है, n की वैल्यू इंक्रीज करती है, जबकि मेटल में क्या इंक्रीज करती है, डिक्रीज क्या करता है? ये डिक्रीज करता है मेटल में, लेकिन सेमीकंडक्टर में n की वैल्यू इंक्रीज करती है। और टाउ की वैल्यू डू नॉट चेंज, टाउ की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सेमीकंडक्टर में हम लोग जर्मेनियम और सिलिकन नाम का दो सेमीकंडक्टर जानते हैं, उसी को लेते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली कि हमने किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी रो डैश हो गई, तो यम में तो कोई चेंज नहीं होगा, यन इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए यन इंक्रीज करके 8n हो गया, ई स्क्वायर से हमको कोई चेंज नहीं होना है और ये टाउ में भी कोई चेंजिंग नहीं आनी है। तो दैट इज इक्वल टू 1/8 यम अपॉन यन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। और ये वैल्यू रो के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 रो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 1/8 डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये जाना
कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। अब इसमें अल्फा के बारे में अगर जानना हो, अल्फा के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है और वेरी स्मॉल होती है, निगेटिव और वेरी स्मॉल। अगर ये अल्फा की वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, और वन में से किसी भी निगेटिव टर्म को मतलब वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये कम हो जाएगी। तो देखिए हमने लिखा है कि अल्फा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सॉरी ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसमें अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है, आपसे ग्राफ पूछा जाएगा किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में और रेजिस्टिविटी के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये आपने जाना सेमीकंडक्टर के लिए। देखिए फार्मूला दोनों एक ही है, अब जो काम हम इससे कर सकते हैं वही काम हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ के बारे में अगर हमें जानना है सेमीकंडक्टर के लिए तो ये ग्राफ आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में बताना होगा। ठीक है, एलॉय में हम लोग टंगस्टन, नाइक्रोम, मैग्नीन ऐसे कई मटेरियल लेते हैं, इनके बारे में हमको यही बताना है कि ये जितने भी मटेरियल हैं इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इतनी चीज़ें बताने के बाद अगर आपसे ग्राफ पूछा जाएगा तो ग्राफ में आप दिखाएंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है ओरिजिन पर अगर हम 100 लेते हैं, यहाँ 200, यहाँ 400, यहाँ 800, इसका मतलब जो टेम्परेचर है हमारा वो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक के केल्विन तक के बीच में हमारा जो रेजिस्टिविटी जो देगा वो रेजिस्टिविटी यहाँ पर 0.2, 0.4, 0.6, 100 से पहले रेजिस्टिविटी नहीं हमको मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी, ये जितने भी मटेरियल है इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और लो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हमें 0 to 100 के बीच में रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो हमारा ग्राफ ये 0.2 से ही लीनियर ग्राफ मिलेगा,
कैसा ग्राफ मिलेगा? लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो इस लीनियर ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि टेम्परेचर तो ज़्यादा बढ़ रहा है। टेम्परेचर देखिए यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 800 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिविटी है, उसमें चेंजिंग कम हो रही है। टेम्परेचर में चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी में चेंजेस कम हो रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में केवल 0.3 10^-8 ओम मीटर का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आपसे ये तीन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे ही लिख करके बताएंगे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।